और आप देख रहे हैं SPN9 News। कहने की ज़रूरत नहीं कि इस वक्त कोरोना से अगर कोई इंसानी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहर कर रहा है तो वो मेडिकल स्टाफ है। अपनी जान की परवाह किए बिना ये लोग दिन रात अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई उनके ऊपर थूके, मारे या फिर जानलेवा हमला करे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। असल में मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमण की स्क्रीनिंग करने पहुंची डॉक्टरों की टीम पर हमले को लेकर अब सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख दिखाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, राजस्व अमला, नगरीय निकाय के कर्मचारियों से अपील है कि वो कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं, ये कड़ी चेतावनी है। मानवाधिकार सिर्फ मानवों के लिए होते हैं। शिवराज ने इंदौर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि घटना में शामिल सभी अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, कुछ को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने कहा कि ऐसे लोग केवल मुट्ठी भर हैं जो मानवता की सेवा करने वालों के खिलाफ ऐसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। फिर भी पीड़ित मानवता को बचाने के लिए आपके काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेडिकल स्टाफ से सीएम ने कहा कि लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी है कि आप अपने काम में जुटे रहें। फिलहाल ऐसे लोगों के खिलाफ समाज को भी एकजुट होकर सामने आना चाहिए ताकि कोई ऐसा करने की हिम्मत ना दिखा सके। धन्यवाद। मैं सभी भाई और बहनों से ये अपील करना चाहूँगा, ये महामारी मानवता को समाप्त करने पर उतारू है, इंसान को समाप्त करने पर उतारू है। इस समय कोई भेदभाव नहीं, जाति, पंथ, वर्ग सारे भेद भूल जाएं, हम सब मिलके इस महामारी के खिलाफ लड़ें, घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, प्रशासन को पूरा सहयोग करें। आप सब के सहयोग से ही हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे लोग इंसान नहीं हैं, मानवता के दुश्मन हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की जान बचाने निकले, उन पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सख्त कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी कार्रवाई इन पर होगी, सख्त सजा देंगे, अपराध है ये, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में क्यों ऐसा आयोजन किया गया? प्रदेश के बाहर जो हमारे मजदूर काम करने गए थे उनमें से अधिकांश वापस लौट आए। जो बाहर के प्रदेशों में है वहाँ के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके उनके रहने और भोजन की व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है, दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की है। जो मध्य प्रदेश में हमारे मजदूर भाई और बहन आ गए हैं उनको हमने अपने घरों में ही आइसोलेशन में रखा है, उनका चेकअप हो रहा है, जरूरत पड़ने पर दवाई की व्यवस्था की जा रही है, निःशुल्क राशन की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, ये कोशिश हमारी है।